आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक फिर से बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन ये है कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में क्या अंतर होता है। एकदम से लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके। हमारे राइटिंग की क्लास में आते हैं लोग और सबसे पहले वो यही कंफ्यूजन वो कहते हैं हमारे क्लास में हमारे टीचर से हमारे सर से कि सर हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं। और वो जो सुनाते हैं तो नफसर तुरंत रोकते हैं कि आप स्टोरी सुनाओ, आप स्क्रीन प्ले क्यों सुना रहे हो। और वो आदमी वो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ये क्या हुआ, मैंने तो स्टोरी लिखी थी, ये स्क्रीन प्ले कैसे हो गया। तो आज मैं आपको स्टोरी और स्क्रीन प्ले के बीच का अंतर बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी क्या होती है। देखिए, एक सीधी सादी स्टोरी वो होती है जो एक थॉट आपके दिमाग में आया और आपने उसको अपनी कल्पना का रूप देके कल्पना ऐड करके उसमें एक स्टोरी लिख दी। एक लड़की की कहानी हो सकती है, एक लड़के की कहानी हो सकती है, परी की कहानी हो सकती है, वो कहानी है सीधे सीधे क्या क्या हुआ। अब जब हम स्क्रीन प्ले में आते हैं, जब हम स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो उसमें अंतर ये आता है कि अब आप स्क्रीन प्ले में ऐड करेंगे वो जगह, दिन है या रात है, कौन सी जगह पर ये घटना हो रही है, कितने बजे ये घटना हो रही है, और बीच में हम डायलॉग्स ऐड करते हैं। यानी अगर हम स्टोरी लिख रहे हैं तो स्टोरी सीधी सीधी चलेगी। आप एक घटना बताएंगे कि स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, फिर इसका मीट पॉइंट ये आता है और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी चल रही है। और आप जब स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो चीज़ें ऐड होती हैं कि सबसे पहले ये सीन आया। सीन वाइज हम अपनी स्टोरी को बांट देते हैं, क्योंकि स्क्रीन प्ले जो होता है, स्क्रीन प्ले आपकी स्टोरी जो स्क्रीन पे प्ले होगी वही स्क्रीन प्ले है। कहानी है, आपने सुना दी कहानी, लेकिन वो स्क्रीन पे कैसे जाएगी। जैसे अगर आप बचपन से आप लिटरेचर पढ़ रहे होंगे, हमारे स्टार्टिंग के क्लासेस में लिटरेचर पढ़ना ही होता है, तो एक नाटक होता है। जब नाटक लिखा, एक किताब में नाटक पढ़ना होता है हमें, और दूसरा होता है कि वही नाटक स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है। कितना अंतर होता है, जो लिखा हुआ है नाटक लिख दिया गया है। अच्छा, कितने सारे नॉवेल को नॉवेल का नाट्य रूपांतर किया जाता है, तो नॉवेल को क्यों नहीं परफॉर्म करते, नाट्य रूपांतरण करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो नाट्य रूपांतरण इसीलिए वही जो स्क्रीन प्ले है कि हम स्टेज पे क्या परफॉर्म करेंगे। राजा इधर से आ रहा है, रानी इधर से आ रही है, वही तो हम तो ये कहेंगे राजा और रानी बात कर रहे थे, लेकिन बात करने से पहले वो कहाँ थे, कौन कौन सी जगह पर खड़ा है, आपको ये सब स्क्रीन प्ले में लिखना पड़ता है। तो जब आप स्टोरी सुनाएं किसी को, आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाएं, आप अपनी स्टोरी सुनाएं, तो आप सिर्फ स्टोरी सुनाएं कि ये घटना है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, और ये एंड है मेरी कहानी का। आप ये ना कहें कि यहाँ से कैमरा आ रहा है, ये कैमरा आया, यहाँ से ये शॉट, ये नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्रीन प्ले हुआ ना, आप स्क्रीन प्ले नहीं सुनाते। सबसे पहले आप कहानी सुनाओ। सामने जब आप किसी डायरेक्टर को, किसी प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुना रहे हैं तो आप सिर्फ कहानी सुनाएं। मैं एग्जांपल लूँगी, दंगल मूवी सबने देखी होगी, दंगल। और दंगल किसकी कहानी है, दंगल में अभी आप लोग कहेंगे गीता और बबीता की कहानी है, नहीं, दंगल जो है वो महावीर सिंह फोगाट की कहानी है, क्योंकि स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। उनका सपना है कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाए तो चलो उनका बेटा ले आएगा, बेटा नहीं होता, बेटियाँ होती, बेटियाँ होती, फिर वो हार मान जाते हैं। और उसके बाद फिर उन्हें याद आता है कि बेटे ही क्यों, बेटियाँ जो काम बेटे कर सकते हैं वो बेटियाँ भी करेंगी, फिर वो अपनी बेटियों को उस तरह से रेडी करते हैं और फाइनली वो गोल्ड मेडल ले आते हैं। ये हुई दंगल की कहानी। दंगल की कहानी क्या है, सिर्फ ये है कि एक पिता है, एक पिता नहीं एक पुरुष है जिसकी ख्वाहिश है कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के ले आए कुश्ती में, क्योंकि वो शुरू से स्टेट लेवल तक पहुंचा हुआ है और किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाता आगे। तो अब उसका सपना है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बेटे करें, और उसको बेटे नहीं होते, बेटियाँ होती हैं। और बाद में उसको ये मतलब रियलाइज होता है कि ये काम बेटे ही क्यों कर सकते, बेटियां क्यों नहीं कर सकती, और बेटियों को वो पहुंचाते हैं। तो ये दंगल की कहानी है कि एक आदमी का सपना और लास्ट में उनकी बेटियों का गोल्ड मेडल जीतना, ये हुआ सीधे सीधे एक कहानी। और अब जब हम स्क्रीन प्ले पे आएंगे तो स्क्रीन प्ले में वो सारी चीज़ें आई
कि कैसे लड़कियों को सुबह जगा देते हैं, भगा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कैसे करा रहे हैं, अच्छा गद्दे बिछा के प्रैक्टिस हो रही है, 5 बजे भोर में प्रैक्टिस हो रही है, लड़कियां मार रही हैं लड़कों को, लड़कों के साथ दंगल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम स्क्रीन प्ले में ऐड करेंगे। तो आप इस चीज़ से क्लियर रहिएगा कि जब आप किसी को स्टोरी सुनाएं तो सिर्फ स्टोरी सुनाएं, स्क्रीन प्ले ना सुनाएं। जब स्टोरी आपकी फाइनल होगी तो अपने आप आपसे डायरेक्टर कहेगा कि आप इसका स्क्रीन प्ले लिखो, या कई बार अलग होते हैं, स्टोरी राइटर अलग होते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर अलग होते हैं और डायलॉग्स राइटर अलग होते हैं। तो जब आप राइटर बनना चाहते हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आप कौन से राइटर बनना चाहते हो। आप स्टोरी राइटर बनना चाहते हो, आप स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हो, या आप डायलॉग राइटर बनना चाहते हो। तो ये अपने मन में क्लियर रखो। और जब मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं कि जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं, हम एक स्टोरी लिख के, खैर ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है कि अपनी स्टोरी को किसी प्रोडक्शन हाउस में कैसे ले जाया जाए, लेकिन मैं बस एक सिंपल वे में आपको बता दूं कि जब आप कोई स्टोरी प्रोडक्शन हाउस तक ले जाते हैं, पहुंचा रहे हैं, उसके बाद वहां से वो अगर किसी डायरेक्टर के पास जाती है, डायरेक्टर को पसंद आती है, तो वहां पर ये डायरेक्टर के हाथ में होता है कि वो ये काम अलग अलग लोगों को देगा, या आप में उतना टैलेंट है कि आप स्क्रीन प्ले भी लिख सकते हो और डायलॉग भी लिख सकते हो, स्टोरी आपकी है तो ये एक अच्छा काम हो जाएगा। कभी कभी होता है कि चलो मैंने स्टोरी बहुत अच्छी लिख दी पर मेरा इमेजिनेशन उतना अच्छा नहीं है, मैं स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकता, तो फिर वहाँ पे एक स्क्रीन प्ले राइटर की ज़रूरत पड़ती है। और वो उसमें भी डायलॉग्स होते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब ये लगता है कि डायलॉग थोड़े कमज़ोर हैं तो अलग से डायलॉग राइटर को लाया जाता है और वो उसमें डायलॉग्स लिखते हैं। तो इस तरह से ये तीन हो सकता है, कभी कभी कि ये तीनों साथ में बैठ जाएं, ये तीनों साथ में बैठ के काम कर सकते हैं, या किसी एक आदमी में ये तीनों टैलेंट हो सकता है। तो अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आप ये भी देखो कि ये तीनों में से आप कौन से राइटर बनना चाहते हो। और आप समझ गए कि जब ये मीडियम ही मतलब इसमें राइटर ही अलग अलग होते हैं तो स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कितना अंतर होता होगा। तो आप स्क्रीन प्ले और स्टोरी को मिक्स मत करिए, स्क्रीन प्ले अलग चीज़ है, स्टोरी अलग चीज़ है, और दोनों को अलग अलग वे में लिखा जाता है। सबसे पहले एक थॉट आता है आपके दिमाग में, जब एक थॉट आ गया फिर वो आपकी अनुभूति और कल्पना को लेकर एक कहानी का रूप लेती है, और कहानी जब स्क्रीन पे जाने के लिए रेडी हो जाती है, जब उसकी ज़रूरत होती है कि इसे स्क्रीन पे प्रेजेंट करना चाहिए ताकि ये बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, तो उसका स्क्रीन के हिसाब से उसका स्क्रीन प्ले लिखते हैं, और ये उसमें अपनी कल्पना, अपने डायलॉग्स, अपनी चीज़ें को ऐड किया जाता है। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर कि स्टोरी और स्क्रीन पे, मुझे आशा है कि आपको ये चीज़, अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों में क्या अंतर होता है। तो आगे इससे जुड़े, अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक करिए, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आप तक आपकी सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँच जाएँ वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। लाइट्स कैमरा एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम मंजिल तक पहुंचा देंगे तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।